और मुंशियों को सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। 750 स्टोर मुंशियों को सरकार ने नियमित किया है। वित्त विभाग में लंबे समय से ये फाइलें अटकी पड़ी थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद फाइल को मंजूरी मिल जाएगी। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने मुलाकात की थी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव ने इसको लेकर आभार भी जताया है। सीएम गहलोत, पीएचईडी मंत्री बीडी कल्ला का आभार जताया है। तो बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पीएचईडी विभाग में स्टोर मुंशियों को सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया है। आशीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, पीएचईडी स्टोर मुंशियों को सरकार का बड़ा तोहफा, अतिरिक्त जानकारी। देखिए, लगातार ये लंबित चल रहा था पूरा मामला, और 10 साल के बाद में इन कर्मचारियों को नियमित किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन काफी लंबे समय से ये मामला अटका होने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर कार्रवाई करवाई। और पिछले दिनों जो है, राजस्थान के जो वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद में वित्त विभाग ने इस फाइल को मंजूरी दे दी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न केवल जो वर्तमान में नियमित हुए कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा, बल्कि जो रिटायरमेंट, जिनका रिटायरमेंट हो गया, जो रिटायर हो चुके, उन कर्मचारियों को भी पूरा लाभ दिया जाएगा। यानी कि तकरीबन 750 से ज्यादा ऐसे स्टोर मुंशी है जिन्हें नियमित किया है राज्य सरकार ने, तो बड़ी राहत है। और जिस तरीके से लगातार जलदाय विभाग में आंदोलन भी हो रहा था, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसके बाद में राज्य सरकार ने उनकी मांगे सुनी और मुख्यमंत्री का आभार उन्होंने जताया है। साथ साथ जो पीएचडी मंत्री है बीडी कल्ला, उनका भी आभार जताया है। लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे कर्मचारी और उनकी मांग की जल्द से जल्द जो है सरकारी कर्मचारियों को राहत दी जाए। इसके साथ साथ दूसरी जो मांगे हैं उनकी, वो भी लंबित है, क्योंकि चीफ इंजीनियर की नियुक्ति अभी नहीं हो पाई है, जिससे लगातार जो कर्मचारी है उनकी मांगे अभी तक भी लंबित चल रही है। तो एक मांग सरकार ने पूरी कर दी है, और भी जो मांगे हैं उस पर भी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और जल्द ही कर्मचारियों को बड़ी राहत यहाँ पर सरकार देगी। बिल्कुल, यानी लंबे समय से ये जो आंदोलन चल रहा था वो रंग लेकर आया है और सरकार ने मंजूरी दे दी है फाइलों को। आगे आने वाले समय में देखना